कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हरियाणा से हैं दीनदयाल जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो सर, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, सवाल करिए अपना। मेरे को 2 साल से टाइफाइड है। हाँ निकाड़ा जी। हाँ 2 साल से टाइफाइड है, और यानी मैं ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा दवा निकाल मैंने। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 60 हो गई जी, 2 साल से लगातार टाइफाइड हो गई जी। हाँ देखिए, जब ये मर्ज होता है तो हम इलाज करते हैं, बहुत अच्छा इलाज है वो, जो एलोपैथिक इलाज बहुत अच्छा है टाइफाइड का, और वो 7-15 दिन लगातार करने से टाइफाइड का जाना मुमकिन होता है। बहुत अच्छी दवाएं हैं एलोपैथ में। और ये होता क्या है टाइफाइड, हमारे आंतों में गंदगी हो जाती है जिसकी वजह से बुखार होता है और पूरा पेट मुतासिर हो जाता है, वो इन्फेक्शन हमारे पूरी बॉडी में आ जाता है जिसका एक टेस्ट है। तो हमें इलाज करने के बाद पूरा और फिर एक टेस्ट कराना चाहिए कि अब हमारे जिस्म में टाइफाइड तो नहीं है। और एक आसान नुस्खा है, वो आप उसके साथ में ले सकते हैं। देखिए, एक पौधा होता है, वो जंगली पौधा है जिसे हम चिरचिटा कहते हैं। चिरचिटा एक जंगली पौधा जिसे कोई उपजाता नहीं है, बल्कि खुद ही उपजता है खेतों के किनारे पे, सड़कों पे। यहाँ से मैं जाता हूँ कहीं पर गाड़ी से तो बहुत खड़े मिलते हैं सड़कों के किनारे, गांवों में बहुत होते हैं। पालक की तरह इसका पत्ता होता है। तो इस पौधे कि जड़ का छिलका ले लें, उसे धो धा के 3-4 इंच का जड़ का छिलका रोज़ाना उबाल के पिया करें और डॉक्टर्स का इलाज भी लें तो आपको ठीक होना मुमकिन है। सुषमा जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। जी राधे राधे, आदाब, वेलकम जी। बताइए, आपकी बेटी तो बैठी है, आपको इसको बहुत पसंद करते हैं शैलजा को। शैलजा, मैं बहुत प्यार करती हूँ शैलजा से। जी शुक्रिया। हाँ शैलजा जी बताइए मैम, सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि 2-3 सवाल है मेरे। हाँ, मेरा बेटा जो था वो बरेली से जैतून का सिरका लाया। ठीक है, जैतून से छिड़का, वो बरेली से छिड़का लाया था। तो वो छिड़का जो है, जी जी जी, टीवी मत सुनिए आप सीधा फोन से बात कीजिए। नहीं मैं टीवी नहीं सुन रही। हाँ, बरेली से जैतून का सिरका लेके आए थे आपके बेटे। हाँ, तो वो छिड़का उसमें 2-3-4 वो पड़े हैं छोटे छोटे पीस, और वो मैंने पी के देखा कि मैंने आपके यहाँ से जैतून का छिड़का और सब सारी चीज मैंने मंगाई थी, गोंद मोदिंगा सब। हाँ तो वो नकली है साहब। हाँ देखिए, मैं तो कह ही रहा हूँ कि और कोई सवाल हो तो कर लीजिए। नकली सब लोग नकली बनाने लगे और वो पीस भी डाल देते हैं जैतून के। सवाल मेरा ये है कि मेरे मतलब जब जैतून का सिरका मैं पीती हूँ हर तरफ, उसमें वो सब चीज मिला के पीती हूँ, अदरक वगैरह सब। अब मैं जैसे ही सुबह 1 चम्मच पीती हूँ, 3 चम्मच पीती हूँ, तो मेरे एकदम लैटरिन आती है। ठीक जी, पता नहीं। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं सबको आजकल और कोई काम ही नहीं कर रहा, यही बता रहा हूँ कि नकली सिरके भी बना लिए। मैं जो भी चीज़ बताता हूँ पहले तो असली मिलती है, फिर सारे लोग जो बेईमान लोग हैं वो नकली बना लेते हैं। जैतून का सिरका भी नकली बना लिया लोगों ने। इसका रंग जो है वो कॉफ़ी कलर हो, चाय जैसा, कॉफ़ी जैसा कलर होता है। और मैंने तो सबको खरीदा,
जो भी जहाँ जिसने बनाया उसको मंगाया और चेक किया, मेरे पास पूरा इंतज़ाम है, तो सब नकली बना रहे, केमिकल के बना रहे, तो वो फ़ायदा नहीं देगा। और ये असली सिरका आप ले लीजिए और इस्तेमाल करिए। अगर लैट्रिन कम होती है तो धनिया का पाउडर एक चम्मच आप खा लिया करिए उसके बाद में, तो आपको ये परेशानी भी ठीक होना मुमकिन है। यूपी से है रंजीत, स्वागत है आपका। नमस्ते दीदी जी। नमस्कार। और हकीम साहब को भी परिचय के पना। आदाब, जय हिंद, वेलकम। बताइए भाई, क्या सवाल है? यार मैं तो 6 महीने से लगा रहा हूँ, अभी लगा है, 6 महीने से लगाते लगाते नहीं लगा, तो अभी एक हफ्ता पहले दवा मंगाया हूँ मैं। अच्छा जी सर, मैं मेरे 5 आदमी के लिए, 3 आदमी के लिए अभी दवा मंगाया हूँ सर। 5 आदमी है हमारे घर में, 5 आदमी में हरदम तबीयत खराब ही रहता है, हमको समझ में नहीं आता, दवा कराते कराते भी थक गए हैं लेकिन राहत नहीं मिल रहा। अच्छा, क्या दवा मंगाई है, क्या तबीयत खराब है, तो अभी क्या हाल है? अभी 3 आदमी के लिए, अपने भैया के लिए मंगाया हूँ दवा, जिनकी उम्र 35 साल है, उनको पी केयर मंगाया हूँ, उनको फाइल्स का प्रॉब्लम है, कभी कभी दिक्कत करने लगता है, ब्लड आने लगता है और दर्द करने लगता है। ठीक है, अब क्या हाल है उनके? आज से तो दवा शुरू किया हूँ सर, 3 तारीख को ऑर्डर किया था तो अभी पहुँचा, कल हमारे यहाँ पहुँचा, तो आज से शुरू किया हूँ खाने के लिए। ठीक है, ठीक है। और अपनी भाभी के लिए, जिनकी उम्र 32 साल है, उनके लिए फोन किया मंगाया हूँ, वो ज्यादा तकलीफ में है, 10 साल से उनको कमर में दर्द रहता है पूरा। अच्छा, वो उन्होंने दवा यूज करनी शुरू की? हाँ, उन्होंने भी आज से ही, कल तो गए हमारे पास दवा पहुँचा और आज से शुरू किए। ठीक है, ठीक है। तो और एक पापा के लिए, जिनको 60 साल उम्र है, उनको जैतून का सिरका मंगाया हूँ, तो वो 2-2 चम्मच उनको सुबह शाम आज से ही दे रहा हूँ। तो और पूछना चाहता हूँ सर कि एक बार वो तो बता ही है कि कैसे लेना है, लेकिन आप भी बता देते कि उनके साथ ठीक है, ठीक लेना है। ठीक है, ठीक जी। अच्छा, खूब गौर से सुनिए, भाभी को आधा आधा ग्राम देना है, गौन स्याह आपने उनके लिए मंगाया है, और 5-7 दिन सब्र करें, काफ़ी तकलीफ़ में है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में भाभी हैं, और देवर इतना ख्याल कर रहे हैं तो भगवान उनको ज़रूर अच्छा करेंगे, ऐसा मैं भगवान से निवेदन करता हूँ। तो आधा आधा ग्राम दें, और भाभी से कहें कि ज़मीन में बैठ के जो हम काम करते हैं, ये झाड़ू पोंछे का बिल्कुल ना कराएं, और खड़े होकर किचन में काम करना चाहें तो करते रहें, और बहुत अच्छा, बहुत एहसान उन पर होगा अगर ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग वो करें, नहीं है तो लगवा दीजिए, दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाभी को बहुत तकलीफ़ है, और 5-7 दिन में फ़ायदा शुरू होना चाहिए, 1 महीने में बहुत अच्छा फ़ायदा, जैसे जो शिद्दत होती है ना मर्द की, जो जीने नहीं देती, मर्ज की शिद्दत, रोग की शिद्दत, वो ख़त्म होती है सबसे पहले, वो ख़त्म हो गई तो मरीज़ को इत्मीनान आ जाता है कि हाँ अब मुझे फ़ायदा हो रहा है। ज़रूरत पड़ने पर कोई भी दवा दे सकते हैं, इसे छोड़े नहीं। और अपने डैडी को 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच जैतून का सिरका दे सकते हैं खाने के बाद, पानी में मिलाकर या सब्जी सालन में मिलाकर, उनके बहुत अच्छी फ़ायदा शुरू होगा। आज से शुरू किया है, और पी केयर उनके लिए मंगाया आपने, पायस वालों के लिए आज से शुरू किया है, और 2-4 दिन सब्र करें, आपको फ़ायदे नज़र आने लगे तो हमें दोबारा कॉल करिए, हमसे बात ना हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डॉक्टर बैठते हैं, उनसे अपनी पूरी विस्तार से बात करके आप इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। हरियाणा से हैं नीलम जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, ये पूछना था जी, हाथ में ना, ये सज्जे हाथ में, मतलब बांह से लेके हाथ तक सारा सुन्न हो जाता है, और गोड्डे में भी प्रॉब्लम है, और बीपी भी हाई रहता है, मतलब इसके लिए कोई दवा बताओ हमें। आपकी उम्र कितनी है और ये तकलीफ कब से है? ये तकलीफ तो 15 साल से हो गई है जी, दवाई खाते खाते। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र 61 साल। अच्छा, देखिए 15 साल से आप तकलीफ़ उठा रहे हैं, मैं आपसे 3-4 महीने मांगता हूँ,
आयुर्वेदिक यूनानी के लिए, और देखिए घरेलू नुस्खे हैं। एक तो आता है गौंद स्याह, और देखिए नकली बहुत आ गया है, रोज कॉल्स आती है नकली ले लिया, अभी कॉल आई थी कि नकली मिल गया और फायदा नहीं हुआ। असली गौंद स्याह लें, खाली 100 ग्राम भी अगर मिल गया तो ये 15-16 रुपए रोज का इलाज है। आधा ग्राम नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, पानी से ही खाएं आप, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी है और दूध वगैरह ब्लड प्रेशर वालों को नहीं पीना चाहिए, और दूध पिए तो बगैर चर्बी वाला पिए, उसमें चर्बी की मात्रा कम होनी चाहिए। ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए है, नसों की मजबूती के लिए है, नसों में खिंचाव के लिए, कमर में दर्द की जहाँ भी दर्द है उसके लिए। और अगर आप एक पेस्ट बना लें और अदरक लहसुन का एक चटनी टाइप का बना लें, और इसमें ज़्यादा हो अदरक और लहसुन, और बाकी चीज़ें नमक मिर्च तो सब डालते ही हैं, अपनी ज़रूरत की डालें, टमाटर भी डालें, सब कुछ डालें, लेकिन अदरक लहसुन बहुत सारा हो। और देखो हम गांव वाले क्या करते हैं कि जब चटनी को ऐसे लगाते हैं रोटी पे और उसी से खाना खा लेते हैं, या सालन भी होता तब भी लगा लेते हैं, मेरे घर में भी यूज़ होती है। अदरक लहसुन का जब ज़्यादा चटनी इस्तेमाल करेंगे, खूब इस्तेमाल करिए, तो ये कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है आपके, और खून पतला करता है। इसे आप लगातार लें तो आपको फायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ कुछ कॉलर्स और जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यूपी से हैं एके तिवारी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आदाब। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद भाई तिवारी जी, बताइए क्या सेवा की जाए। सर गुप्त रोग में इंटरनल प्रॉब्लम्स में आपकी कंपनी ने तमाम दवाएं बनाई हैं, आप बताते हैं जैसे रुकावट हुआ उसमें सुलेमानी या तमाम प्रकार की और चीजें, इसके अलावा आप चिलगोजे का गोंद भी सर बताते हैं। तो सर सवाल हमारा ये है कि इनमें सबसे अच्छा नुस्खा कौन सा है। ठीक है, ठीक। अच्छा देखिए, बेहतरीन जो दवाएं हैं इसमें भी एलोपैथ बहुत अच्छा काम करता है, जो इंग्लिश दवाएं आप लेते हैं, लेकिन उसके नुकसान बहुत होते हैं, और वो अपनी ज़रूरत में कभी कभी तो आप ले सकते हैं, हमेशा नहीं ले सकते। और गौंद चिलगोजा जो है वो काफ़ी तेज़ होता है। चिलगोजा जो है वो सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है, और उसका गौंद उससे भी महंगा है, दुनिया का सबसे महंगा ड्राई फ्रूट। तो इसका आधा ग्राम ही एक बार या ज़्यादा दो बार, वो भी 6 घंटे के फ़र्क से ले सकते हैं। उसमें कैफियत है, अगर आपको वीर्य पतला है तो एक या दो चम्मच इसब गोल की भूसी के साथ लें, दूध में मिला के उससे ये लें आधा ग्राम, और बहुत ही परेशानी हो तो 1 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। और जिन लोगों को स्वप्न दोष हो जाता है, बहुत लोग ऐसे हैं करोड़ों जो रोज़ाना उनको स्वप्न दोष होता है, तो एक इंसान को अगर वो शादीशुदा नहीं है तो 2-3 बार हम इसे एहतलाम कहते हैं, स्वप्न दोष हो सकता है। इससे ज़्यादा होता है तो फिर हम अंदर से कमज़ोर होने लगते हैं, और फिर इलाज करते हैं बहुत ज़्यादा, किसी सूरत फ़ायदा नहीं होता, तो इसके लिए ले सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस बारे में बात बहुत कम करता हूँ, मैंने कभी भी कोशिश नहीं की इस बारे में बात करूँ, और जितने भी लोग हैं इस ताल्लुक से उनसे मैं कहता हूँ कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, जिनको वाइट डिस्चार्ज हो, और एक्जिमा के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। एक्जिमा ये दाने दाने बारीक बारीक हाथों पे या पैरों पे हो जाता है एक्जिमा, जो किसी सूरत नहीं जाता, उसमें इसकी आधा ग्राम खुराक काफ़ी अच्छा काम करती है, मेरा ज़ाती तजर्बा है, लेकिन असली मिलना ज़रूरी है।
तफसील से बात करें आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर और ये सबसे बेहतर दवा हम कह सकते हैं। बरेली से हैं भगवान दास गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार सर, हकीम जी से बात करना चाहता हूँ। जी भाई बात हो रही है भगवान दास जी। जी आदाबर आदाबर भाई जी, कष्ट ये है कि मेरा पोता है 15 साल का। जी जी मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं मेरा पोता है 15 साल का। तो जी जी सर टीवी मत सुनिए सर, टीवी मत सुनिए, टीवी सुनेंगे तो देर में जवाब देंगे। मैं मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ 15 साल का आपका पोता है। जी तो क्या है उसके सर के बाल जो हैं बहुत झड़ते हैं, डैंड्रफ बहुत रहती है। तो उसके बारे में जो है बाल हल्के भी बहुत हो गए। तो उसके लिए जो है उससे क्या उपचार जो है थोड़ा। ठीक है जी। अच्छा देखिए नज़ला खांसी बलगम छींकें ऐसे सब आता है तो उसका उपचार अलग है और ये सब नहीं है। बहुत ज़्यादा नज़ला खांसी बलगम छींकें का प्रॉब्लम है तो उसका इलाज अलग से करना होगा तभी ये अच्छा हो पाएगा। और अगर इसको ये रोग नहीं है तो फिर इजीली आप देखिए सफ़ेद गौन मोरिंगा। अच्छा गौन मोरिंगा में भी लोग बेईमानी करने लगे हैं, लाल टाइप का दे देते हैं, पीले टाइप का दे देते हैं, सफ़ेद वाला लेना जो ऑफ वाइट कलर का होता है यानी बर्फ़ी जैसी होती है ना मिठाइयों में ऐसा, तो ये ले लें। और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर और दूध में मिलाकर या सबसे अच्छा नारियल पानी में मिलाकर अगर आप हैसियतदार हैं तो उन्हें दे सकते हैं। तीनों से काम करता है लेकिन नारियल पानी के साथ ज़्यादा अच्छा काम करता है। इन्हें काफ़ी दिन तक पिलाएंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है।